ये पबजी बहुत खतरनाक और धोखेबाज गेम साबित हो चुका है। गेम खेलने में मजा आता है जरूर, लेकिन आजकल के बच्चे बिगड़ते चले गए। तभी मैं बोलूं कि ये लोग इंडिया में गेम क्यों लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि ये लोग इंडिया से पूरा पैसा भी छाप पाए और बच्चों को भी बिगाड़ कर चले जाएं। मोदी जी, ऐसे पबजी को हमारे देश से जल्द बंद कर दिया जाए। नो। आमरे जी ने तो पबजी के वाट लगा कर रख दी। लगता है ये फौजी लंच करने वाले हैं। मोदी जी, पबजी बैन हो चुका है तो फिर से वापस नहीं आ सकता इंडिया में। पबजी के आने से लाखों लड़के पागल होने से बच जाएंगे। पबजी बैन होने से लाखों लड़के और हजारों लड़के पागल बनकर घर में घूम रहे हो। जब तुम्हें अच्छा से बोलने नहीं आता है तो तुम वकील क्यों बने हो, और हमारे इधर से पबजी को बैन करना क्यों नहीं चाहते हो तुम? क्योंकि गांव के लोग मुझे पबजी लवर बोलते थे रे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग लड़िए मत, हम लोग अच्छे से सजा करेंगे। तो आप पबजी का मालिक हैं? हाँ। क्या कहा, पबजी का मालिक है? अरे हमको तो सुनाई नहीं दिया। जी मैं पबजी का बाप हूँ। तो एक बात बताइए कि आप चाइना का माल हटाकर फिर से इंडिया में पबजी लॉन्च करना चाहते हैं? तुमको पूरा इंडिया देख रहा है। जी मैं लॉन्च करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि चाइना से संबंध तोड़ दीजिए, नहीं तो हम पबजी को फिर से इंडिया में लॉन्च करने नहीं देंगे। तो पबजी प्ले स्टोर पर डालिए, क्योंकि इंडिया को फौजी नहीं पबजी चाहिए। मिलॉर्ड, पबजी लॉन्च नहीं होना चाहिए। पबजी बैन होने के बाद ये फिर से पबजी इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। चुप बे पबजी लॉन्च करने वाला। चुप बे पबजी वाला। पबजी मुर्दा तोड़ दो तेरी। पबजी मुर्दा बाद। मित्रों ऑर्डर ऑर्डर, मित्रों ऑर्डर। सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 दिन बाद में फिर से ये तारीख चलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं यूट्यूबर लोगों को हेल्प करता हूँ। तो यार यहाँ पर वो चैनल का एक वीडियो है, जाकर उस वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर दबा देना। थैंक यू।